हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन है कैरेक्टर बाय नेश इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग दिए स्टीव गुटनबर्ग, बुबा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली स्ट्रॉबरू, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बैबकॉक गोल्डवेट, ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुबा स्मिथ एज सर्जेंट मोस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्ट्रॉबरू एज ल्यूटनेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में। म्यूजियर एकेडमी, आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किंस एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हॉम्बर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग 1, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग 2। अदर्स, ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन, ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटी एज मिस्टर क्रिकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, डीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्से और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने
के लिए में रूप में देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेसॉर्ड यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहान यानी लेस्ली ईस्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाई टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोफ और उनमें सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं कहाँ ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन है कैरेक्टर बाय नेश इसराइल पैट प्रॉफ्ट, और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंस्काई। स्टारिंग दिए स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली ईस्टरबुक, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बैबकॉट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट, और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉलिन, और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर, और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986, और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली ईस्टरबुक ब्रूक एज ल्यूटमेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में। म्यूजियर एकेडमी, आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किंस एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट गोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हम्बर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंग एज कैडेट सरा।
मौजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू अदर्स ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर आर्थर बैडेंटी एज मिस्टर क्रिकलैंड चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय टीजे स्कॉट एज रॉबर जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्सेक और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसोर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ट यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहान यानी लेस्ली स्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स सर्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोव उनमें सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं क्या ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन है कैरेक्टर बाय नेशनल इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग दी स्टीव गुटनबर्ग बुब्बा स्मिथ डेविड ग्रेफ माइकल विंस्लो मैरियन रैमसे लेस्ली स्ट्रबुरुक आर्ट मेट्रेनो टीम कोजरिनस्काई बैबकट गोल्डवेट ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजॉर्ट एकेडमी स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी
माइकल विंस्लो एज सर गेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्टर्ब्रुक एज ल्यूटनेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामशे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में, म्यूजियर एकेडमी आर्ट में ट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किंस एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेन स्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रीकलैंड, बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट कैरन एडम्स, डेविड हमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू। अदर्स ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन, ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटी एज मिस्टर क्रिकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉफ लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, टीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किंस और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसोर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉसर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ड यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहन यानी लेस्ली स्टर्ब्रुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाई टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोव और में सर्जेंट भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं क्या ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ।
पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन है कैरेक्टर बाय नेश इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग दी स्टीव गुटनबर्ग बूबा स्मिथ डेविड ग्रेफ माइकल विंस्लो मैरियन रैमसे लेस्ली स्ट्रॉबरू आर्ट मेट्रेनो टीम कोजरिनस्काई बैबकॉट गोल्डवेट ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉलिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में बूबा स्मिथ एज सर्जेंट मोस हाईटावर के रूप में डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स लेस्ली स्ट्रॉबरू एज ल्यूटनेंट डेविया कोलहन के रूप में मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में म्यूजियर एकेडमी आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर लेंस किंस एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा एंड्रू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड बॉबकैट कोल्डवेट एज कैरेट जेड एम सी क्लॉन्क स्वेन वेथलरी एज कैरेट कैरन एडम्स डेविड हमबैड एज कैरेट हिडेक्स मार्शिया वेटिंग एज कैरेट सरा माउजर कैरेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैरेट बैक्स्टर हैशटैग 1 डेविड जेम्स इलिटियो एज कैरेट बैक्स्टर हैशटैग 2 अदर्स ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर आर्थर बेडेंटिस एज मिस्टर क्रिकलैंड चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय डीजे स्कॉट एज रॉबर्ट जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किंस और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉसर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह
यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी। मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स एंड माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ड एंड जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट कैलाहन यानी लेस्ली स्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टैकल बेरी यानी डेविड ग्रॉफ और में सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं क्या ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन है कैरेक्टर बाय नेशल इसराइल पैट प्रॉफ्ट, और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग डी स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली स्ट्रबरूक, आर्ट मैट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बैबकट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस। और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट, और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन, और इसे म्यूजिक दिए हैं रॉबर्ट फॉक, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वार्नर ब्रदर, और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986, और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्ट्रबरूक ब्रूक एज ल्यूटमेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइट ब्लैंक्स के रूप में। म्यूजियर एकेडमी, आर्ट मैट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किम्स एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर #1, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट
Baxter has to others. Groj R. Robertson as Commissioner Henry Hurst. E.D. Nelson as Governor Nelson. Grogina Spillane as Hooker. Arthur Badantis as Mr. Crickland. Chess Leather as Mr. Delaney. Doc Lennox as Main Bad Guy. D.J. Scott as Robber. Jerry Paris as Priest. तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्सेक और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस अकादमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉसर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ट यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सॉलिड के साथ जॉन्स और लिफ्टेंट केलाहान यानी लेस्ली स्टरबुक और सॉलिड को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग सॉलिड हुक्स यानी मैरियन रेम्स सॉलिड हाई टावर यानी बुबा स्मिथ और सॉलिड नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टैकल बेरी यानी डेविड ग्रॉफ और में सॉलिड भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं क्या ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर बाय नेल इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग डी स्टीव गुटनबर्ग, बुबा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली स्ट्रबुरुक, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बैबकट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजॉर्ट एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुबा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्ट्रबुरुक ब्रुक एज ल्यूटमेंट डेविया कोलहन के रूप में,
मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉमसन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में, म्यूजियर एकेडमी आर्ट में ट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किम्स एज लुटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेन स्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रीकलैंड, बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंग एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू। अदर्स, ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन, ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटीज एज मिस्टर क्रीकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, डीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्सेक और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉमसन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ड यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहान यानी लेस्ली स्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रॉफ उनमें सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं क्या ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं
जीन क्वेंटेनो बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर बाय नेशन इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैसलेंस्काई स्टारिंग डी स्टीव गुटनबर्ग बूबा स्मिथ डेविड ग्रेफ माइकल विंस्लो मैरियन रैमसे लेस्ली स्ट्रोबुरु आर्ट मेट्रेनो टीम कोजरिनस्काई बैबकट गोल्डवेट ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में बुबा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स लेस्ली स्ट्रोबुरु एज ल्यूटनेंट डेविया कोलहन के रूप में मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में स्कॉट थॉमसन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में म्यूजियर एकेडमी आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर लेंस किंस एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा एंड्रू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स डेविड हमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू अदर्स ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर आर्थर बेडेंटीज एज मिस्टर क्रिकलैंड चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय टीजे स्कॉट एज रॉबर जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कटर यानी लॉस किन्से और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉमसन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह
यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी। मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ड यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहन यानी लेस्ली स्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टैकल बेरी यानी डेविड ग्रोव और में सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं क्या ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर बाय नेशन इसराइल पैट प्रॉफ्ट, और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग दिए स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रैफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली स्ट्रबरूक, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बैबकट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस, और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट, और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन, और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर, और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986, और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्टरब्रूक ब्रूक एज ल्यूटमेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉमसन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में। म्यूजियर एकेडमी, आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किन्स एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट गोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हम्बर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा, मॉडर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर #1, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट
Baxter has to others. Groj R. Robertson as Commissioner Henry Hurst. E.D. Nelson as Governor Nelson. Grogina Spillane as Hooker. Arthur Badantis as Mr. Crickland. Chess Leather as Mr. Delaney. Doc Lennox as Main Bad Guy. T.J. Scott as Robber. Jerry Paris as Priest. तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्सेक और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसोर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस अकादमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप में देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ट यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सॉलिड के साथ जॉन्स और लिफ्टेंट केलाहन यानी लेस्ली स्टरबुक और सॉलिड को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग सॉलिड हुक्स यानी मैरियन रेम्स सॉलिड हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सॉलिड नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टैकल बेरी यानी डेविड ग्रॉफ उनमें सॉरेंट भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं कहाँ ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर बाय नेशनल इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग दिए स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली स्ट्रबुरुक, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बेबकट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजॉर्ट एकेडमी। स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्ट्रबुरुक एज ल्यूटनेंट डेविया कोलहन के रूप में,
मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉमसन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में, म्यूजियर एकेडमी आर्ट में ट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किन्स एज लुटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेन स्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंग एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू। अदर्स, ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन, ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटी एज मिस्टर क्रिकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, डीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्से और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉमसन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉसर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप में देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ट यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहन यानी लेस्ली स्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोव और में सर्जेंट भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं कहाँ ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं
जीन क्वेंटेनो, बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर बाय नेल इसराइल पेटक्रॉफ्ट, और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस्लेंस्काई, स्टारिंग स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली स्ट्रॉबरो, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बॉबकैट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस, और इसे सिनेमाटोग्राफी दी है रॉबर्ट शॉर्ट, और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन, और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर, और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986, और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट, और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है, और इसका बजट रहा है $12 मिलियन, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मोस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली स्ट्रॉबरो एज ल्यूटनेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स के रूप में। म्यूजियर एकेडमी, आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किंस एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट गोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हॉमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू। अदर्स, ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन, ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटी एज मिस्टर क्रिकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, डीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कटर यानी लॉस किन्से और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप में देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक स्मिथ नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइक
कल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमज़ोर कर दिया। कमांडर लेसॉर्ड यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सॉलिड के साथ जॉन्स और लिफ्टेंट केलाहॉन यानी लेस्ली ईस्टरबुक और सॉलिड को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग सार्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स सार्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सार्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोव और में सार्जेंट भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं कहाँ ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन ए कैरेक्टर बाय नेश इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग डी स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली ईस्टरबुक, आर्ट मेट्रेनो, टीम कोजरिनस्काई, बॉबकट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेजर्ड एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मोस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली ईस्टरबुक ब्रूक एज ल्यूटमेंट डेविया कोलहन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस महलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में, ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड के रूप में, स्कॉट थॉम्सन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट के रूप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइट ब्लैंक्स के रूप में। म्यूजियर एकेडमी, आर्ट मेट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किन्स एज लूटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्लर, टीम कुजरेंस्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रयू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रिकलैंड, बॉबकैट गोल्डवेट एज कैडेट जेड एमसी क्लंक, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हम्बर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंगकिंस एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर #1, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर #2। अदर्स, ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन,
ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटिस एज मिस्टर क्रिकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, डीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किन्सेक और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस अकादमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉम्सन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस अकादमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेसॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेसॉर्ट से बदलने के लिए में रूप देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेसॉर्ट यानी जॉर्ज गेनस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहान यानी लेस्ली ईस्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाइट टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोफ और उनमें सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं कहाँ ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। पुलिस एकेडमी 3 बैक इन ट्रेनिंग ये 1986 की अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं जेरी पेरिश और इसे लिखे हैं जीन क्वेंटेनो। बेस्ड ऑन है कैरेक्टर बाय नेश इसराइल पैट प्रॉफ्ट और इसे प्रोड्यूस किए पॉल मैस लैंगस्काई। स्टारिंग डी स्टीव गुटनबर्ग, बुब्बा स्मिथ, डेविड ग्रेफ, माइकल विंस्लो, मैरियन रैमसे, लेस्ली ईस्टरबुर्ग, आर्ट मेट्रोनो, टीम कोजरिनस्काई, बैबकॉट गोल्डवेट, ग्रोज गेंस और इसे सिनेमाटोग्राफी दिए हैं रॉबर्ट शॉर्ट और इसे एडिट किए हैं बर्ट मॉरिन और इसे म्यूजिक दिए रॉबर्ट फॉक और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर और इसका रिलीज डेट रहा है मार्च 21, 1986 और इसका रनिंग टाइम है 83 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है और इसका बजट रहा है $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $107.6 मिलियन। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के कास्ट के बारे में हम जान लेते हैं। लेसॉर्ट एकेडमी, स्टीव गुटनबर्ग एज सर्जेंट कैरी महोनी के रूप में, बुब्बा स्मिथ एज सर्जेंट मॉस हाईटावर के रूप में, डेविड ग्रेफ एज सर्जेंट यूगेना टेकलेबेरी, माइकल विंस्लो एज सर्जेंट लॉरवेल जोन्स, लेस्ली ईस्टरबुर्ग एज ल्यूटमेंट डेविया कोल्हन के रूप में, मैरियन रामसे एज सर्जेंट लेवरन हुक्स के रूप में, ब्रूस मेहलर एज सर्जेंट टॉफलेस फैकलर के रूप में,
ग्रोज गिंस एज कमांडेंट इरिक लेजार्ड ग्रुप में, स्कॉट थॉमसन एज सर्जेंट चार्ट कॉपरेट ग्रुप में, ब्रेंट वॉन हॉफमैन एज सर्जेंट काइल ब्लैंक्स ग्रुप में, म्यूजियर एकेडमी आर्ट में ट्रेनो एज कमांडेंट इरिना म्यूजियर, लेंस किंस एज लुटमेंट कॉर्पोरेटर, लेजार्ड कैट्स डिब्रेली स्कॉट एज कॉर्डेट वायलेट फैक्टर, टीम कुजरेन स्काई एज कैडेट कार्ल स्क्विंचॉक, बैरियन टॉची एज कैडेट टोम्बाको नोकेडा, एंड्रू पेरिस एज कैडेट बर्ड क्रीकलैंड, बॉबकैट कोल्डवेट एज कैडेट जेड एम सी क्लॉन्क, स्वेन वेथलरी एज कैडेट करन एडम्स, डेविड हमबर्ड एज कैडेट हिडेक्स, मार्शिया वेटिंग किंस एज कैडेट सरा, माउजर कैडेट्स आर क्रिस्टोफर थॉमस एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग वन, डेविड जेम्स इलिटियो एज कैडेट बैक्स्टर हैशटैग टू। अदर्स ग्रोज आर रॉबर्टसन एज कमिश्नर हेनरी हर्स्ट, ईडी नेल्सन एज गवर्नर नेल्सन, ग्रोगिना स्प्लेवन एज हुकर, आर्थर बेडेंटी एज मिस्टर क्रीकलैंड, चेस लेवेथर एज मिस्टर डेलेनी, डॉग फ्लिनॉक्स एज मेन बैड गाय, डीजे स्कॉट एज रॉबर, जेरी पेरिस एज प्रीस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के हम प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। एक बड़े पार्किंग गैराज में लेफ्टिनेंट पार्कर यानी लॉस किंसेक और कमांडेंट मॉर्सर यानी आर्ट मेट्रोन सर्जेंट से मिलते हैं। कमांडेंट लेसॉर्ट की पुलिस एकेडमी से चार्ट कॉपलैंड यानी स्कॉट थॉमसन और काइल ब्लैक्स यानी ब्रेट वेन हॉफमैन दो पुलिस एकेडमियों में से एक को बजटीय बाधाओं के कारण राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और मॉर्सर चाहते हैं कि वे लेजॉर्ट को विफल करना सुनिश्चित करें। योजना से सहमत होकर वे इसे अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर स्नातक करने के लिए लेजॉर्ट से बदलने के लिए में रूप में देखते हैं। अगले दिन जब गवर्नर यानी एड नेल्सन ने घोषणा की कि वह यह मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करेगा कि कौन सा अकादमी खुली रहेगी, मॉसर ने उसे हल्के से मना कर लिया। सर्जेंट जॉन्स यानी माइकल विस्लो ने गवर्नर को सामने उसे अपमानित करके उसे कमजोर कर दिया। कमांडर लेजॉर्ड यानी जॉर्ज गेंस को एहसास होता है कि उसे कैसे जीतना है। सर्जेंट के साथ जॉन्स और लेफ्टिनेंट केलाहान यानी लेस्ली स्टरबुक और सर्जेंट को आपस बुलाता है। महोनी यानी स्टीव गुटनबर्ग, सर्जेंट हुक्स यानी मैरियन रेम्स, सर्जेंट हाई टावर यानी बुब्बा स्मिथ और सर्जेंट नए रूटों के लिए प्रशिक्षक के रूप में टेकल बेरी यानी डेविड ग्रोफ और उनमें सर्जेंट भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, और वीडियो ख़राब लग रही है तो कमेंट में हमें बताएं कहाँ ख़राब आपको वीडियो लग रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।